नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर राष्ट्रपति बनेंगे या फिर प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिहार की राजनीति में अब ये सवाल लगातार तैर रहा है। कोई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ही बने रहने देने की बात कर रहा है, ललन सिंह की बात सुन लीजिए, कोई कहता है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा की बात समझ लीजिए, कोई कहता है कि बिहार के CM ही रह सकते हैं, RCP की बात सुन लीजिए, PM बन ही नहीं सकते हैं, RCP की बात सुनिए। वहीं अगर दूसरी तरफ आप आते हैं तो बिहार में नीतीश कुमार के बाद कौन हो सकता है मुख्यमंत्री, ये भी चर्चा शुरू हो गई है। सबसे बड़े दावेदार तेजस्वी यादव हैं, भाजपा की तरफ से भी कई नाम सामने हैं, चाहे आप बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं शहनवाज हुसैन उनकी बात कर लीजिए, या फिर नित्यानंद राय का नाम चल रहा था, गिरिराज सिंह का भी नाम कई बार सामने आया है, यानी कहीं ना कहीं चर्चाएं नीतीश कुमार के आगे कौन हो सकता है इस पर हो रही हैं। लेकिन उसके लिए नीतीश कुमार को पहले अपनी कुर्सी यानी CM की कुर्सी छोड़नी होगी। अब यही चर्चा है बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्तों में पड़ी खटास और विभिन्न मुद्दों पर लगातार जो हो रहा है बकवास, उसकी वजह से राजनीति फंस गई है। भाजपा बार बार नीतीश कुमार के दबाव में आकर, नीतीश तेजस्वी की मुलाकातों के दबाव में आकर अपने फैसलों से पीछे हट जाती है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है फिर नीतीश कुमार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि भाजपा को साधने का एक ही तरीका है, जब जब भाजपा हावी हो तेजस्वी से मुलाकात कर लो, तेजस्वी से किसी भी मुद्दे पर, चाहे जातिगत जनगणना हो या फिर विभिन्न अवसर हो सकते हैं, मुलाकात करो और भाजपा पर दबाव बनाते रहो। भाजपा भी इस दबाव की राजनीति को समझती है, लेकिन करे तो क्या करें, बिहार में भाजपा के पास भी नीतीश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो अपने दम पर सरकार नहीं चला सकती है और इसी वजह से सारी बेचैनी बिहार में है। आपको ये भी पता होगा कि 2024 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। ये 24 के चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, भाजपा भी अपने तरीके से बिहार पर फोकस बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि बिहार से 39 सांसद जाते हैं, इन सांसदों के योगदान से ही प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। ऐसे में जदयू के साथ गठबंधन 24 तक बनाए रखना बड़ा महत्वपूर्ण है, खासतौर पर तब जब जदयू लगातार भाजपा से चिढ़ी हुई है। नीतीश कुमार चाहे भूपेंद्र यादव हों या बिहार के भाजपा कोटे के नेता, जो बयान दे रहे हैं उन बयानों से काफ़ी आहत भी हो रहे हैं और दुखी होकर उस पर फैसला भी ले रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ये बड़ा फैसला ना ले कि बिहार में सरकार ही नहीं रखनी है, अब भाजपा के साथ रहना ही नहीं है, इसी चलते भाजपा बैकफुट पर है। लेकिन जहां एक तरफ NDA के विवाद के बावजूद भी गठबंधन नहीं टूट रहा है, वहीं खबर ये आ रही है कि एक पार्टी ने बिहार में NDA गठबंधन तोड़वाने का सुपारी ही ले रखा है। ये शख्स और कोई नहीं जीतन राम मांझी हैं, और ये पार्टी और कोई नहीं बल्कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम हैं। लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले मांझी जी इस बार फिर से एक बार बड़ा बयान दे दिए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को PM मटेरियल बना दिया है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 17 साल तक बिहार में शासन अच्छा चलाए हैं, बिहार का विकास किया है, अब उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, देश की बागडोर एक बार संभालनी चाहिए। इससे पहले भी, ये पहली बात नहीं है, इससे पहले भी भाजपा को कई बार कटघरे में खड़ा करने के अलावा उन्होंने नीतीश कुमार को कई बार सराहा है। इस बार भी जब वो चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें ठगा है, और नीतीश कुमार की बड़ाई करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में वो सारे गुण हैं जो कि एक कुशल प्रधानमंत्री में होने चाहिए, अगर वो केंद्र में जाते हैं तो फायदा भी होगा। इससे पहले आपको याद होगा एक और विवाद हुआ था, कोरोना की वैक्सीन पर जो सर्टिफिकेट था उस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। कई बार जातिगत जनगणना पर उन्होंने भाजपा को आईना दिखाया है, यानी नीतीश कुमार की पैरोकारी के साथ साथ भाजपा को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं, भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप और हमला भी कर रहे हैं। ऐसे में कल उनके बेटे द्वारा दिया गया बयान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को देश का भावी प्रधानमंत्री बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे ने दावा किया कि बिहार में 15 साल में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं जो कड़ियां हैं वो जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। ये भी चर्चा हो रही थी कि राजद नीतीश कुमार से सीधा गठबंधन करने में सफल नहीं हो पा रही है, ऐसे में राजद लालू प्रसाद यादव के माध्यम से मांझी को कोई ऑफर दे रहे हैं। पहले भी ऑफर दिए जा चुके हैं, लेकिन तब
एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बनी थी और सब लोग एकजुट थे, लेकिन जैसा हश्र वीआईपी का हुआ उसके बाद मांझी जी भी डर गए हैं। उन्हें लगता है कि भाजपा कभी भी दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह उन्हें निकालकर फेंक देंगे। ऐसे में मांझी वैकल्पिक जो रास्ते हैं और जो प्लान बी हैं उन पर भी चर्चा कर रहे हैं, ताकि आगे चल के अगर मांझी के साथ कोई खेला करना चाहे भाजपा तो उसमें सफल ना हो सके। इसी कड़ी में खबर ये आ रही है कि मांझी जी ने एनडीए गठबंधन जो बिहार में है उसको संतुलित करने की कहीं ना कहीं मन में अपनी इच्छा जता ली है। चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।